पुलिस थाना भिंडी सैदा के अंतर्गत पड़ते गांव गुलगढ़ में एक नौजवान द्वारा अपने ससुराल वालों पर जान से मारने के आरोप लगाए गए हैं। इस संबंधित पीड़ित नौजवान मंजीत सिंह और उनकी मां ने बताया कि उसकी पत्नी झगड़ा कर अपने मायके चली गई थी। बीती रात उसके ससुराल वालों के द्वारा उनके घर पर हमला किया गया, जिसमें उनका बहुत नुकसान हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस से इंसाफ की मांग की है। मसला जी साढ़ा दोवे जिया आपस में माड़ी मोटी गलबात घर च हुई है। ये लड़के पेके चली गई है मेरे न। मैं लैन गया 5-10 दिन बाद सरपंच नाल गया है। तो उत्थे जाके साड़ी तू महिमा हुई। तो सरपंच साहब आते हैं भी अज नहीं तुहाडा फैसला हो सकता, जो काम ठंडा हो जाएगा फिर आप दूरी आ के लै जाएंगे। फिर शामी ये आए आ, इन्हों का प्लैन ही भी एक तरह काम विगड़ जाए तो अं इन्हों सबक सिखा सी। इन्होंने कहा भी बंदे बुंदे इकट्ठे करके ना शाम साढ़े घर आ गल पवाते। वो तो एक भरा है, एक मेरा सहुरा है, तो एक मासी का मुंडा, एक लागू 7-8 जने मुंडे मंडे। तो एक का ना है जो अड़ीका, एक का ना है सरवण सिंह, दूजा है दलीप सिंह, एक मसू सिंह जो, एक है लड्डू सिंह जी, एक है समी पुंगिया का मुंडा, बाकी 12-13 जने अनपछात बंदे आ। जिहड़ा अड़ीका ते एक समी मुंडा, उन्होंने को दोवों को पिस्तल आ, इन्हें फैर भी मारे आ सानू सीधे। मैं भज गया कल्ला हाँ घर दे विच, ते मम्मा मेरी कल्ली ही। उन्होंने इन्होंने मुड़ के जबरदस्ती मार कुट की, नाले उन्हें सूटे साटे मारते रहे लक से, नाले लीड़े कपड़े पाड़े आ। की नुकसान होया? नुकसान जी साडा मोटरसाइकिल आ, पखे आ 3-4, फ्रिज आ, टीवी आ, ते कुछ पैसे हैं, कंप्यूटर किराया काम करता मैं चला, जो 10-15 हज़ार रुपया है वो लैके कड़ के, नाले एक रूम लै गया कड़ के सोना ही। समान भी किया जी? समान जी इदा ही इन्होंने तोड़ फोड़ की। मांग की करते? हाँ तो इंसाफ मिलना चाहिए। अगले हफ्ते ना एक फोन आया सू 112 नंबर तो, अभी मौके पर गए उत्थे, भन तोड़ हुई है, पार्टी दरखास्त देगी थाने, ब्यूरो रिपोर्ट लाइव भारत। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।